मतलब गजब ना सर। ओम नमः शिवाय। सो सी द फिनिशिंग वर्क। वाओ सी दिस। तो अब फाइनली जो है वेलक्रो जो है ये सेटअप हो रहा है कैमरा में, मतलब कैमरे के माइकिंग के लिए। तो ये हेलमेट जो है हमारा अद्भुत सा हेलमेट बन रहा है। ये क्या है? हीटेक्स। ग्लू है, ग्लू ग्लू ग्लू। अच्छा इससे उधर चिपका दीजिएगा। ऐसा चिपकेगा कि कपड़े फट जाएगा निकालोगे उसको। उसमें भी थोड़ा लगा दे किसी चीज से। इससे लगा लूंगा, साफ कर लूंगा। उसको काट लेता पहले, चौड़ा है ना, लगा के बाद तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है इतना। पापा ने बस बस हो गया, मतलब बस हो गया। थोड़ा 5 मिनट रुक दो, इसको हटा। गोप्रो निकाल दूं क्या? ये है निकालेगा तो ऐसे रख देता हूं। हां ऐसे रख देता हूं, इतना बस टच ना। मतलब इसको ये हेलमेट को बिछाने को सजा रहे हैं हम लोग। बंद करके बराबर बराबर दबा के। क्या ये फेविकॉल है? नहीं नहीं लेकिन ये वाला कहीं तो काम आ सकता। अच्छा तीन प्रकार का बॉक्स, इसको भी संभालोगे अभी आप? ये बॉक्स को भी संभालोगे? अच्छा तीन प्रकार का बोला जाता है ना। क्या है सर? ठीक है अच्छा ठीक है अच्छा। गजब भाई। तो ये देखो हमारा पुराना पर्दा जो है हमारे धीरज बबुआ डाल रहे हैं अंदर पेटी में, पेटी पैक। क्या बात है धीरज, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ब्रो। धीरज भी सर आज मध्यम मध्यम गति में अच्छा काम कर रहा है। माइक लाइए। तो बाबा ये हुआ कि ये इधर चिपक गया। पर चलो ये मेरे मूंछ में तो नहीं गड़ेगा सर पहनते वक्त? नहीं सर। हाँ सर मैं कह रहा हूँ पहनते वक्त नाक में तो नहीं गड़ेगा सर? मूंछ में अटक गया था। अच्छा अच्छा, इसके ऊपर ये डाल रहे हो उल्टा जोड़ा? ठीक है ये इसे निकल गया। हाँ इसमें वो डालो इसके अंदर। एक सेकंड। क्या बात है सर, क्या जुगाड़ लगाते हो यार। मतलब ये तो भाई दुनिया का कोई भी मोटो ब्लॉगर ना देख के पागल हो जाएगा, बोलेगा कि भाई ये क्या जुगाड़ है भाई। बोलेगा यार प्रभु जी का नंबर दे दो। प्रभु जी का नंबर आप तो डिस्क्रिप्शन में डाल ही देना भाई। यहाँ पे डालो इसमें फंसा, इसमें फंसा, इसके नीचे डालो। खोल लेना वायर, वहीं पे डालना है क्या सब? रुकिए रुकिए गुत्थी पूरा। हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ पूरा गुत्थी मुंह पे मत डाल, गुत्थी इधर डाल दे। नहीं नहीं रुक जाओ, इसको हटाइए मोबाइल ऊपर हटाइए। अभी यहीं पे पड़ा रहेगा बस, अभी इसको पहन के देखिए यार। एक सेकंड कभी आपको निकालना है तो इसको पकड़िए, खींच दीजिए निकल। एक सेकंड अभी इसको निकाल दीजिए, उसको लगाएंगे आराम से क्लिप। उल्टे तरफ से ये ऐसा था ना, उल्टे तरफ से डालना ऐसे, उस तरह से, उस तरह से, हाँ ऊपर से, ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे। ऐसे नहीं ये ऊपर से ऐसे से भी नहीं। ओके ऐसा है और ऊपर लेके ऊपर थोड़ा सा ऊपर बेटा। अब तो सर इसको कोई नहीं निकाल सकता अभी। अब जो है माइक का ये वायर, माइक का ये वायर
बेस्ट तो है कि लटक रहा है लेकिन हाँ वो चीज को जो है अच्छा तो वो क्लिप में सेटअप हो जाएगा क्लिप नहीं वो क्लिप में कर लेंगे मैं बस बोल रहा हूँ कि ये जो गुत्थी है ना इस गुत्थी को बस इधर काम में सर वो उसी के लिए तो लगाया है गुत्थी के लिए स्पेशली तो मतलब कैसा माइक अगर उसके साथ रहेगा तो वो भी कहीं नहीं जाएगा और माइक भी कहीं नहीं आएगा अच्छा ऐसा ठीक है तो एक बार पहन के देखते हैं जी हमें हेलमेट पहनाते हुए देखिए माइक कहाँ पे आ रहा है अरे सर ऑल इज वेल एंड ओके माइक तो मुंह पे नहीं लग रहा एकदम मुंह पे कहाँ है माइक ये रहा नीचे चला एक हाथ हटाइए वो तो मैं कर लूंगा यहाँ पे कर लूंगा देख रहा ठीक है मेरा पास एयरपॉड्स गिरेगा दोनों तरफ कान एयरफोन में लगा हुआ है सर ये झुमका है मेरा सर बैठ सर रुको एक बार फिर से बैठ चश्मा निकाली मैं बोल रहा हूँ ये नीरज हमारा जो हमें बोल रहा है सर ऐसा लग रहा है कि आपको एकदम मशीन ले सर मैंने चश्मा तो निकाली है चश्मा क्यों निकालू पागल है नहीं नहीं निकालिए तो सही क्यों हाँ आप ठीक है यहाँ पे एडाप्टर और माइक सेट और गोप्रो यस सो ऑलराइट गाइस दिन सुबह हुआ है इसी चीज से 9:30 बजे मैंने इलेक्ट्रिशियन को कॉल किया 9:30 बजे से मतलब पार्शली माइंड जो इसी चीज में है कि भाई अपना कर्टन सेटअप होना है फाइनली कर्टन आप देख लो ब्लू पट्टा लगा हुआ है 8:30 बज गया कितने बजे से सर 9:30 बजे से मतलब 11 घंटे कंटिन्यूस हम सब लोगों ने मिलके देखा है क्या पूरा जम के इधर मैस क्रिएट हुआ प्रॉपरली वैसे अरेंज हो गया नाउ सी द फाइनल रिजल्ट विद दिस अमेजिंग म्यूजिक एंड स्टे कनेक्टेड फॉर दिस गाइस दिस इज गोइंग टू बी किक एस सो गाइस 11 घंटे मेहनत करने के बाद जब ऐसा चीज के साथ आप अंत करते हो अपने दिन को तो मतलब अच्छा फील होता है चलो हियर वी गो फिनिशिंग वर्क वाव सी दिस इट्स वेरी फॉगी दिस इज एटलांटा राइट एटलांटा Actually, no, it's a Sewanee. Sewanee? Sewanee is the suburb of Atlanta. Okay. So this is the current status right now. It's very foggy outside. So alright guys, 13 tarikh ke baad, matlab aaj 12 tarikh. ऑलमोस्ट एक महीने के बाद श्रेष्ठ के हाथ का हम पराठा खाते हुए एंड दिस इज आटे का पराठा थोड़ा दूध पीजिए आटे का पराठा और ये कपड़े का मास्क 10 बजने वाला है आदिति का क्लास है सो चला जाएगा एस्ट लव इज टेल सी यू इन ओला लव फरवरी फ्राइडे इट इज 10:53 AM हो रहा है एंड द टेंपरेचर इज 28 डिग्री सेल्सियस इट्स स्मोकी एंड द एयर क्वालिटी इज 307 it's very poor I'm hoping for the best if the audio will be in the you know the best version till date main isko samajh nahi pa raha tha mujhe lag raha tha ki wo bahut hi normal hai har har mahadev
हेलमेट का सेटअप तो बहुत ही खतरनाक तरीके से हो गया, लेकिन अपना जो है थोड़ा सा चोपा हुआ है। चोपा ये हुआ है कि दिस इज अ 360 डिग्री कैम, दिस इज GoPro का मैक्स, सो दिस डजंट अलाउ यू टू ऐड एनी एक्सटर्नल माइक्रोफोन। सो मैंने रोड का जो लेवरी माइक ऐड किया विद द एडेप्टर, वो आइडिया जो है मतलब इसके साथ सक्सेसफुल नहीं रहा, तो हमारे पास अब ये विकल्प है जो बाबा क्या गिरा तो हमारे पास विकल्प है कि वो है मतलब ऑब्वियसली हीरो, GoPro हीरो। सो इसी को अभी यूज़ करने का, और ऑडियो क्वालिटी हमें लगा था कि जो मैं व्लॉग कर रहा हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से आएगा, लेकिन वो उससे भी भद्दा आया, क्योंकि 360 डिग्री मतलब ये कि चारों दिशा से ये इसका माइक चलता है, और आप अगर इसको कैद करोगे मतलब अगर आप शेर को अगर कैद करोगे तो वो तो मतलब बागी बनेगा वो। सो ये वाली चीज़ हो गई, तो कोई नहीं अभी जो है, और हमारे जो GoPro में है वो हीटिंग इशू बैटरी की वजह से हो रहा था, तो हमारा जो नया बैटरी का सेट है वो आ गया है। सो बस अभी हमारे जनाब आए हुए हैं, कमाल इमेज जिनसे आए हुए हैं, हमें जो है संजय जी ने काफ़ी अद्भुत सर्विस दिया, आई एम फॉर एवर थैंकफुल टू हिम। एंड उधर मिलो हमारे मित्र गण से, और देखो युवराज कुछ बोल के नहीं रहा है भाई, इनकलाब जिंदाबाद तो ये भाई ए ए ए ए ए ए बोलो इनकलाब जिंदाबाद। अरे नीरज बाबा ये अनिल कपूर के फैन हो गए फिलहाल अभी। बाकी सब बढ़िया है, ये अपडेट बस आपको देना था, अब इसके बाद देखेंगे मोटो ब्लॉग का क्लिप कैसा होता है। सो GoPro के बैटरी के वजह से इतना ज़्यादा झोल हो रहा था, हमें मालूम ही नहीं था। तो ये हमारा अद्भुत सा नज़दीक आ जा। सो क्या बात है, ये काफ़ी बड़ा बैटरी है, मतलब करीब 4 क्विंटल इसका वजन भी है। सो इसको हम लोग बॉक्स में वापस डाल देंगे, और अपना 128 GB का मैंने ये इधर लगाया हुआ है। क्या बात है यार, कलर तो रंगीन मिजाज का लग रहे हैं कि भाई। बट अपने को बैटरी को चार्ज करने का है, अब आएगा मजा री बाबा। सो ऑलराइट गाइस, हमारा जो मैक्स है तो बेसिकली इस मैक्स में जो है एडेप्टर इस तरफ था, और अपने हीरो में जो है ये अडेप्टर इस तरफ लगना है, तो बेसिकली हम लोगों ने इधर सेटअप किया है। कोई बात नहीं, इसलिए अच्छा हुआ सर हम लोगों ने एमसील नहीं डाला क्या, नहीं तो दोनों तरफ मूंछ बन जाता जैसे आपने बोला था। तो अभी ये खुल के जो है इस तरफ आ जाएगा, तो दिस विल बी वर्किंग फाइन। सो ऑलराइट गाइस, मैं आपको कुछ अपडेट देने वाला हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सो बेसिकली इस चीज को युद्धवीर भाई जरा खोल दीजिए ना प्लीज, घूमता है मतलब पता नहीं जो भी होता है कुछ तो होता है। अच्छा लिफ्टेबल है, आप जमीन पे रख के खोलो क्योंकि मैं मतलब लग रहा है वैक्यूम हो गया ऐसे नहीं। हाँ सो ऑलराइट गाइस, इस चीज को हम लोग बोलते हैं भटूरिया सिम, ये चीज फेवरेट है मुझे पता है। ये मेरा फेवरेट है, ये एक्चुअली हमारे बिहार से आया हुआ है। ये चीज मुंबई महाराष्ट्र आपको आसपास में कहीं नहीं मिलेगा। ये इस चीज की खास बात ये है कि हमारे मुंह में पानी आ रही है फिलहाल, और एक खासियत बात यह है कि
ना ही सिर्फ ये हमारे गांव से आया हुआ है, इसके पेड़ को मतलब इसके बीज तक को जो है मतलब यू नो हमारी माता जी ने पालन एवं पोषण किया है, इसको बड़ा किया है और मतलब खासकर हमारे याद में और हमारे लिए कि बाबू को ये बहुत पसंद है, तो अभी हमारी बहना गई हुई थी तो उनके हाथों भेजा है और हमारी बहना ने प्रयत्न किया इसको बनाने का, तो ये जो भी है ये निराला है हमारे लिए, ये मतलब अद्भुत है ना ही सिर्फ यहाँ भाई अद्भुत तो कुछ मतलब क्या सी हो रहा है यार, मतलब अद्भुत तो सब बोल रहे हैं, सही है ना अद्भुत। सो ये मतलब ना ही सिर्फ ये फूड है, ये हमारे लिए मतलब एक इमोशन है शब्दों के परे है, चुनौती चुनौती। और इसको देखो बाबा, अरे क्या हो गया बाबा, ये ठंड लग रही है, करना चालू कर देना। अच्छा ब्लॉग करना चालू। ये हमारे युद्धवीर भाई और ये इनके फैन। तो अभी रोमांटिक सुना कुछ भी चलेगा। नाजुक हो तुम ख्वाब जैसी हो, कोमल हो तुम गुलाब जैसी हो, वाह। और होंठों से लगा के पी जाऊं तुम्हें, माँ कसम सर से पैर तक शराब जैसी हो। एंड गाइस, ये दूसरी चीज है जो हमारी माता जी कुछ अद्भुत ही बनाती है, मैं इसका बचपन से दीवाना और मरते दम तक रहूँगा। मैं खुश नसीब हूँ कि मैं अपने माँ के हाथ के बने हुए चीज़ को मैं अच्छे से खा पा रहा हूँ। तो दिस इज निमकी, काम चल रेला है, अपुन बैठ रेला है, उधर वो केला खा रेला है, ये भाई बाबा की केला वाले बाबा देखो उसका केला कितना सारा रखा हो रहा है, इधर रहे हमारे प्रभु बाबा, कल हम लोग पार्टी करने वाले हैं अद्भुत सा, और ये हमारे धीरू बाबा, धीरू का भी लीड आया देखा कि नहीं। So all right guys, अभी क्या बोलने का, oh my god, just look at this, this is looking so arranged and so neat and tidy, isn't it? So all right guys, आज के ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, हम जो है थोड़े से निद्रासन में है, योग निद्रा के भाव में लग रहे हैं हम, ऐसा ऐसा अब ऐसा क्यों हुआ उसके लिए आपको कल का ब्लॉग देखना होगा। अभी क्या बोलते रही बाबा, क्या कैसे क्या हो रही है। अच्छा बाय द वे, वही मुझे लगा कि कुछ जादू सा क्यों हो रहा है। रुद्राक्ष, पिछले कुछ दिनों से मैं रुद्राक्ष नहीं पहन पा रहा था क्योंकि वॉकिंग के बाद मैं सीधा अदिति के पास चला जाता था और अदिति के पास से सीधा इधर आता था फिर पूरे दिन ऐसा। जो आज महादेव जो है मैं हमारे ऊपर प्रचंड जो है ना अनुकंपा बरसाई है और काफ़ी आनंद आया, जस्ट I just enjoyed the today's day. Just so loved it. मैं क्या बोलूँ, मुझे इतना भी बोलो कमी है। तो yes guys, that was all for this vlog. So this is blah blah blah. This is Happy Valentine's Day. मतलब 14 फरवरी है आज और संडे है आज, 6:29 PM हो रहा है फिलहाल, और अब इससे ज़्यादा हम क्या बोले हैं, हमें काफ़ी अच्छी अनुभूति हो रही है क्योंकि टेम्परेचर जो है वो 29 degrees Celsius है, सूर्यदेव जो है अस्त हो चुके हैं, फेयर टेम्परेचर है 29 degrees Celsius। सो ये गैस थोड़ा सा इधर आ रहा था क्योंकि हमें जाना ठंडी ठंडी पवन चले वाले फील आ रही है। सो ये वाला स्पॉट अच्छा है लेकिन हमने थोड़ा डेंजरस स्पॉट पे रखा है। इधर रखा हूँ बताऊँ, इधर खिड़की पे रखा हूँ कोने लेकिन ठीक है, नो रिस्क नो गेम।
और अपन को जो है थोड़ा थोड़ा रिस्क लेने में बहुत ही अच्छा लगती है रे बाबा. सो यस गाइस, दैट वाज ऑल फॉर दिस व्लॉग. तब तक के लिए स्प्रेडिंग लव एंड हैप्पीनेस, इग्नोर नेगेटिविटी, एक्सेप्ट पॉजिटिविटी, लुकिंग फॉर द ऑलमाइटी फॉर व्हाटएवर यू हैव इन योर लाइफ, हैव अ ड्रीम, कीप ऑन चेजिंग इट, कीप ऑन पशनिंग योरसेल्फ. के लिए भी आपके जिंदगी में चाहिए कि आप सक्सेस पाने के लिए दिल से मेहनत कर रही है, या अगर नहीं कर रहे तो कीजिए, और अगर आप कर रहे हैं तो समझ जाए पर सक्सेस की ओर पड़ रहा है. और जहाँ तक भी आप उसको देखना चाह रहे हैं आप उसे तक पहुंचने के लिए आसान मिले समझ कि तो वर्क हार्ड लाइक एलेंट एंड लेकर लाइक डिजर्विंग पर्सन ट्रस्ट मी द डे यू विल बी रनिंग अ डिजर्विंग पर्सन गॉड विल शोली गिव व्हाट एवर यू विल बी डिजर्विंग फॉर. क्योंकि ईश्वर हमें वही देते हैं जो हम सच में डिजर्व करते हैं, नहीं उससे ज्यादा नहीं उससे कम. तो बस हमेशा खुद को योग्य बनाना, मेहनत करना, खुशियां बांटना, प्यार बांटना, बुरे सोच से दूरी बनाइए, अपने अंदर की बुराई से लड़िए, खुद को एक बेहतर इंसान बनाइए. जितना हो सके लोगों को समझने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके लोगों को मदद कीजिए. जिंदगी काफ़ी छोटी है, अपने अंदर के भेदभाव को मिटाइए, अपने अंदर के विकारों से लड़िए और उनसे मुक्त होइए. ना ही हम सिर्फ जिंदगी जी रहे हैं, हम मौत के भी करीब आ रहे हैं. इस सत्य से अनभिज्ञ ना रहे. और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड इन हैशटैग शांडिल्य लाइव. हमारा जो है बाबा अभी मूछ वाला अवतार को वापस रखने का क्या हो रहे बाबा, आप लोग जरा कमेंट करो रे बाबा. मूछ वाला स्टेस इज ओके या फिर बच्चा वाला स्टेस इज सो hasta la vista, I'll see you soon guys. Om Namah Shivaya, har har Mahadev. ये लो मैं खोलता हूँ, आप वीडियो बना लो सर.